आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मैं शिवम अपने YouTube चैनल कैप्टन शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको कैमरे से रिलेटेड कुछ ऐसे फीचर के बारे में बताने वाला हूं। अगर तो आप भी 2021 में एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हो और अपने मोबाइल फोन के अंदर कैमरा का भी यूज करते हो तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर हमने आपको कुछ ऐसी सेटिंग और कुछ ऐसे फीचर के बारे में मैंने आपको बताया है जिसे कोई भी आपको नहीं बताएगा, ना दोस्तों आपको कोई भी बंदा बताएगा, ना आपको पता भी चलेगा। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी कमाल की ट्रिक भी बताएंगे जहां से दोस्तों आप सिर्फ अपने कैमरे को ओपन कीजिए और किसी का भी नाम ले लीजिए तो वहां पे आपका फोटो क्लिक हो जाएगा। चलो दोस्तों आज के वीडियो को लेते हैं स्टार्ट और जान लेते हैं कि आखिरकार कैमरे के अंदर ऐसा कौन सा खुफिया राज छुपा हुआ है जिसे हम अभी तक नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, जो वीडियो आप देख रहे हो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है। लाइक करने के बाद चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आएगा बेल आइकन घंटा, आपको उस पर टच करके ऑल पे सेट कर देना। इतना काम करने के बाद यहाँ पे आपको करना है एक छोटा सा कमेंट कर देना। कमेंट में दोस्तों आपको करना है अपना नाम टाइप कर देना ताकि यार हमें पता चल जाए कि यार हमारी वीडियो अभी किन किन लोगों के पास तक पहुंच पाई है। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और जान लेते हैं कि कैमरे के अंदर ऐसा कौन सा फीचर है जहां से हम बोल के अपनी फोटो को क्लिक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना है अपने मोबाइल फोन के कैमरे को आपको ओपन करना है। जैसे आप कैमरे को ओपन करोगे तो यहाँ पे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उस फीचर के बारे में। तो यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताता हूँ। यहाँ से आपको नीचे आने के बाद यहाँ से देखने को मिलेगा सेव टू SD कार्ड का ऑप्शन, यानी कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरा है उससे आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो या फोटो रिकॉर्ड करते हो यानी कि फोटो क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा सेव टू SD कार्ड, आपको इस पर क्लिक करना और इसे आपको इनेबल कर देना है। इससे तो क्या होगा कि आपके मोबाइल फोन का जो इतना स्टोरेज होता है वो कभी भी फुल नहीं होगा। अगर आपके भी मोबाइल फोन पर स्टोरेज की प्रॉब्लम है तो आपका स्टोरेज भर जाता है यानी कि फुल हो जाता है। कोई भी वीडियो आप ज्यादा देर का बड़ा नहीं बना सकते यानी कि कोई भी वीडियो लॉन्ग यहां पे शूट नहीं कर सकते। तो यहां पे आपको करना है SD कार्ड को सिलेक्ट करना है और जितना सारा आप फोटो क्लिक करोगे और वीडियो क्लिक करोगे अपने मोबाइल फोन के कैमरे से वो सारा का सारा आपका SD कार्ड में सेव हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको हमेशा करके रखना है। अगर आपके मोबाइल फोन का जो स्टोरेज है वो प्रॉब्लम है यानी कि स्टोरेज जल्दी भर जाता है यानी फुल हो जाता है तो आपको यह हमेशा क्लिक करके रखना है। उसके बाद यहां से आपको देखने को मिलेगा मिरर फ्रंट कैमरा का ऑप्शन, यानी कि अपने फ्रंट कैमरे से कोई भी आप फोटो खींचते हो तो दोस्तों आप होता क्या है जैसे आप कुछ भी जैसे जैकेट पहने आप फोटो खींच रहे हो या शर्ट पहने फोटो खींच रहे हो या बनियान पहने फोटो खींच रहे हो तो उस पर जो लिखा हुआ होता है वो पूरा का पूरा उल्टा आ जाता है। यानी कि आपको भी पता होगा जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है हम इसकी फोटो क्लिक करें, क्लिक करने के बाद जब हम अपने मोबाइल फोन के अंदर उस फोटो को देखेंगे तो ये दोस्तों पूरा का पूरा उल्टा दिखाई देगा, जैसे 5A फिर बाद में आपको रेडमी दिखाई देगा। दोस्तों अगर आप इसे नहीं करना चाहते हो यानी कि यह पूरा का पूरा आपका बिल्कुल सीधा दिखाई दे जैसा आप फोटो क्लिक करो वैसा दिखाई दे तो आपको करने का इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसे ऑन कर देना। ये आपके मोबाइल फोन पर ऑफ होगा तो आपको इसे ऑन करना है। अब आपको बताता हूं कुछ और इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। इसके लिए आपको करना क्या नीचे ना, नीचे आने के बाद यहां से आपको देखने को मिलेगा एक और ऑप्शन, यहां से देखने को मिलेगा पिक्चर क्वालिटी का, यानी कि आपके मोबाइल फोन का जो क्वालिटी है यानी कि कैमरे का क्वालिटी है उसे आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपका फोटो कुछ सही अच्छा आपका फोटो क्लिक नहीं होता या कोई अच्छा वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता है वो लो क्वालिटी में रिकॉर्ड होता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता तो यहां से अपने उसकी क्वालिटी भी चेंज कर सकते हो, यहां से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको करना क्या नीचे आना, नीचे आने के बाद अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं एक ऐसी सेटिंग के बारे में जैसे यहां से अपने मोबाइल फोन के वॉल्यूम बटन से अपनी फोटो को क्लिक करना चाहते हो या जूम करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे कर पाओगे इसके लिए आपको यहां से देखने को मिलेगा वॉल्यूम बटन और फंक्शन का ऑप्शन, तो करना क्या इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो यहां से आपके चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहां से देखने को मिलेगा शूटर का ऑप्शन, यहां से देखने को मिलेगा शूटर कैन डाउन का ऑप्शन और यहां से आपको जूम का भी ऑप्शन मिलेगा और यहां से वॉल्यूम का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। इन चारों ऑप्शनों का क्या मतलब है वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे आप यहां पे शूटर पे क्लिक करते हो तो आप शूटर पे क्लिक करोगे तो इससे क्या होगा जैसे आप अपने वॉल्यूम बटन से फोटो क्लिक करना चाहते हो तो चाहे दोस्तों आप अपने वॉल्यूम बटन आपको डाउन दबाएं या दोस्तों आप डाउन को दबाएं आपका फोटो क्लिक हो जाएगा। उसके बाद यहां से देखने को मिलेगा शूटर कैन डाउन, यानी कि आप इस पे क्लिक करते हो तो सिर्फ अपने मोबाइल फोन की जो वॉल्यूम बटन जो डाउन होती है उसे ही आप दबा के अपनी फोटो को कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर से इस पे क्लिक करना है और यहां से आपको देखने को मिलेगा जूम का ऑप्शन, यानी कि अपने कैमरे को आप ओपन करते हो और चाहते हो कि यार कि हमें जूम न करना पड़े और अपने हम वॉल्यूम बटन से इसे जूम कर ले तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं यहां पे आपको जूम करके दिखाता हूं, जैसे मैं इस पे आपको जूम करके दिखाने वाला हूं, जैसे यहां के आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैं यहीं अपने वॉल्यूम बटन से ही इसे जूम कर सकता हूं और यहीं से आप इसे अनजूम कर सकते हो, यानी कि आप इसे कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो। तो ये दोस्तों आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि यार अपनी फोटो को आप बोल के कैसे खींच सकते हो यानी कि कैसे क्लिक कर सकते हो, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा एक छोटी सी एप्लीकेशन को डाउन करना पड़ेगा, उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहां से डाउन कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या उसे ओपन करना, जैसे आप उसे ओपन करोगे तो वो भी एक कैमरा ही है यानी कि आपको यहां से देखने को मिल जाएगा तो आपको उसे ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप उसे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की ओपन होकर आ जाएगी। अब यहां पे आपको करना क्या सिर्फ आपको बोलना है और आपकी फोटो क्लिक हो जाएगी। जैसे मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं कि हमारी फोटो कैसे क्लिक होगी, जैसे मैंने इस यहां पे आपको एक फोटो क्लिक करके दिखाता हूं, टेक माई पिक्चर,
तो दोस्तों आप लोग देखो यहाँ पे हमारा फोटो क्लिक हो चुका है। फिर से मैं आपको एक फोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास ये डब्बा है, मैंने इसको लिया और यहाँ पे मैंने बोला टेक माई पिक्चर। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार ये फोटो क्लिक हुई है या नहीं हुई है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कोई इमेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सारी की सारी आपको फोटो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जितनी सारी आप फोटो यहाँ पे क्लिक करोगे। और यहीं से आप उसे एडिट कर सकते हो, कहीं पर भी उसे शेयर कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने बोल्ड के भी फोटो को क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बोलने का भी ऑप्शन, चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, यानी कि कुछ भी आप बोलना चाहते हो। जैसे जरूरी नहीं है कि आप टेक माई पिक्चर बोलो तभी आपका फोटो क्लिक हो, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हो। तो आपको सेटिंग क्लिक करना। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहां से आपको देखने को मिलेगा, आपको ये वाला ऑप्शन, यानी कि आपको यहां पे एक आइकन देखने को मिलेगा, उस पे क्लिक करना और अपने हिसाब से यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो कि मैं क्या बोलूं तब हमारा फोटो क्लिक हो। यहां से आपको बहुत सारा ऑप्शन भी मिल जाता है। तो इस तरह से आप अपने कैमरे को बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सकते हो और किसी की भी फोटो को कहीं पर भी आप बोल के क्लिक कर सकते हो। आपको यहीं पर बटन पर दबाने का कोई भी जरूरत नहीं है, ना आपको वॉल्यूम बटन दबाने की जरूरत है, ना दोस्तों आप यहां से फोटो क्लिक करते हो वो बटन आपको कोई भी दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बोल के फोटो क्लिक कर सकते हो। तो मैं आशा करूंगा यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद होगा। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और यहाँ पे आप अपना नाम जरूर कमेंट करें यहाँ, ताकि हमें पता चल जाए कि यार हमारी वीडियो अभी किन किन लोगों के पास तक पहुंची है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।